कोई लाके मुझे दे, लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे, लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। हमने असली कबीर को या तो उनकी कहानी में ढूंढा है या फिर उनकी बाणी में। मिसाल के तौर पर पहला सवाल ये उठता है कि कबीर कौन थे? मेरी बचपन की हिंदी की एक किताब थी, बाल भारती, कक्षा 2 में पढ़ता था। उसके पाठ 3 की आखिरी 2 लाइनें मुझे आज तक याद हैं कि कबीर न हिंदू थे न मुसलमान, वास्तव में वे थे एक सच्चे इंसान। कबीर, तुम कब के भय बैरागी, तुम्हारी सुरती कहां को लागी, कि वैचित्रा का मेला नाही, वैचित्रा का मेला नाही, ना ही गुरु ना ही चेला, सकल पसारा जिन दिन नाही, जिह दिन पुरुष अकेला। गोरख, हम तब के अहें बैरागी, हमारी सुरती ब्रह्मा सो लागी, हमारी प्रीति ब्रह्मा सो लागी। किस्सा सुनिए कि बुरहानपुर में अब्दुल रहीम खाना ने अपने रहने के लिए बड़ी शानदार इमारत बनवाई थी। कारीगरों ने उसे तस्वीरों से सजाया, बड़े निराले निराले रंग भी दिए। अब एक रोज हुआ करके गरीब आदमी था, उसने इतना शानदार महल देखा, मकान देखा, उसका दिल किया अंदर जाने का, तो दासे बोले ही वाला था कि पहरेदार ने उसे रोक लिया। तभी वो आदमी बोला है, खाना से मेरा रिश्ता, उनका रिश्तेदार है, वो मेरे साढ़ू भाई है। पहरेदार ने सर से पैर तक खड़े तो देखा, फिर वो अंदर गया, मालिक को इत्तला दिया। मालिक ने कहा हाँ हाँ आदमी को अंदर आने। अब जब वो आदमी आया गरीब, तो खान खाना ने बाइज्जत उसका इस्तकबाल किया, उसे एक जगह सम्मान से बैठाया। वही कमरे में दूसरा मेहमान भी बैठा था, उसने जो एक फटे हाल आदमी को देखा, रहीम के पास जाकर बोले, ये आदमी आपका रिश्तेदार कैसे हो सकता है? रहीम बोले, है इससे मेरा एक रिश्ता है, और वो ये कि मैं संपदा का स्वामी हूं और विपदा इसके घर रहती है। संपत्ति और विपत्ति, संपदा और विपदा तो बहने हैं, तो हुआ ना ये मेरी बेगम की बहन का शौहर, मेरा साधु भाई। आजकल लोग पानी को बोतल में बंद कर रहे हैं, दूध को थैलियों में बंद कर रहे हैं। हमारी तो बस आज की जरूरत पूरी हो जाए, हमारे लिए उतना ही काफी है, वो तो कुदरत से मिल ही जाता है। हम कल की, आने वाले कल की भूख का डर नहीं पालना चाहते, तो ये जमाखोरी किस लिए और किसके लिए? गाय चरते चरते घने जंगल में आ गई कि यकायक गाय के सामने एक शेर आया और बुलंद आवाज में गाय को रोक कर बोला कि तुमने मेरे यहां की घास खाई है, इसकी सजा ये कि मैं अब तुम्हें खाऊंगा। ये बात सुनकर राजा दलीप गुस्से में आए और कमान पर तीर चढ़ाकर निशाना साधते हुए बोले कि जब तक सूर्यवंशियों के शरीर में प्राण है, कोई उनके शरणार्थी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेर ने राजा से कहा कि राजा, ये मेरे और गाय के बीच का झगड़ा है, तुम इससे बाहर रहो। राजा दलीप बोले कि मैं मजबूर हूं, तुम ऐसा करो कि जो सजा गाय को मिलनी थी वो मुझे दे दो, चूंकि गाय की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, उसका किया जुर्म भी मेरा ही माना जाना चाहिए। लेकिन शेर बोला, राजा तुम इतने काबिल राजा हो, तुम्हारे मरने से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन राजा दिलीप ने एक ना सुनी, आंखें मूंद कर शेर के सामने लेट गए। कुछ देर बाद
उनके कानों में एक अजीब आवाज आई। राजा ने जो अपनी आंखें खोली तो देखा कि शेर तो गायब था। तब नंदनी गाय बोली, राजा ये मेरी माया थी, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुई, क्योंकि जिसके दिल में ऐसी अजीम मोहब्बत हो कि वो दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, उसकी हर कामना पूरी होनी ही चाहिए। और गाय का मतलब सिर्फ पशु नहीं है, गाय धरती है जिसे माइनिंग माफिया लूट रहा है, गाय हिंदुस्तान है जो इन हाथों से छूट रहा है, गाय प्रेम है जिसमें अब मिल झूठ रहा है। जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता, ये धरती सहम जाएगी, ये धरती फूल और कलियों की सुंदर सज है नादा, गरज कर बोलने वालों से कलियां रूठ जाती हैं। जरा आहिस्ता चल, आहिस्ता, ये धरती मां का दिल है, इस दिल में तेरे वास्ते भी प्यार है नादा। बुरा होता है जब धरती किसी से तंग आती है, तेरी आवाज जैसे उठ रहे हो जंग के शोले, तेरी चाल गोया आज ही उठेंगे हश्र के फितने, मगर नादान ये धरती अमर है, गैर फानी है, कई जंगे हुई लेकिन जमी अब तक सुहानी है, कई जंगे हुई लेकिन जमी अब तक सुहानी है, कई जंगे हुई लेकिन जमी अब तक सुहानी। तो मैं आप लोगों को एक चीज सुनाता हूं जिसे हम कहते हैं साकी नामा। साकी समझते हैं आप, शराब पिलाने वाला, ओ साकी साकी वही वाला। सबको बॉलीवुड रेफरेंस देनी पड़ती है ना, जब तक वो ना दो कोई समझता ही नहीं आप क्या करें, ठीक है, मतलब उनका भी भला हमारा भी भला। तो साकी नाम है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक दिन मैं सोच रहा था क्या हो सकती है, तो मैंने कहा हाँ, ओट टू द बारटेंडर। पर पुरानी बात कुछ यूं है कि छास कहती थी, रंग मेरा है मक्खन वर्गा, रूप भी मेरा सुच्चा, दूध मलाई मापियो मेरे, मेरा असला उच्चा, जेड़ा मैनू रिड़कन बैठे उसने वारी जावा, खड़के टोल मदानी वाला मैं विच पंगड़े पावा। छास कहती है चाय से, मैं लोका दी सेत बनावा, तू पई सेत वगाड़े, मैं पई ठंड कलेजे पावा, तू पई सीने साड़े, गल्ला कर दी थक दीनी, तू जीबनू ला ले ताला, खंड भी कौड़ी कित्ती आते, दूध भी कित्ता काला, मेरी चौदर चार चुफेरे, तेरी मनता थोड़ी, मैं देसा दी सूबे रानी, तू पर देसन छोरी, देश पराए आ तू रानी दी साली बन बैठी, अग मंगण आई सी करवाली बन बैठी। चाय कहती है, मेरे हुस्न को जो पहचाने उसका दिल में ठगती, हां है मेरा रंग यूं काला, लैला जैसी लगती, मैं हूं यहां की देवी और सब है मेरे पुजारी, सेठ भी मेरे भजन है गाए और जपता है भिकारी। फिर चाय छास से कहती है कि बैठी रह तू घड़े के अंदर, क्यों हो तुझे तकलीफ, जब मैं सुंदर मेजों पर रखती हूं तशरीफ, मैं क्या जानू तेरे गुण को, मैं क्या जानू तुझको, दूध करे इंसाफ हमारा तो मंजूर है मुझको। अब दूध जो कि चाय और छास दोनों का बुजुर्ग है, लंगड़ाता लंगड़ाता आता है और कहता है, किसको आज सयानी बोलूं, पगली बोलूं किसको, मेरा तो दोनों से रिश्ता, दोनों खींचे मुझको।
छास गई तो जाएंगे पीछे घी और खीर, पंचामृत भी जाएगा संग में भला शरीर, इश्क मोहब्बत जाएंगे पीछे रांझा हीर, तो चाय और छास तुम दोनों ही काबिल हो, अब खुद कर लो निपटारा, प्यार का रिश्ता जिंदा रखना मरे न भाई चारा, प्यार का रिश्ता जिंदा रखना मरे न भाई चारा। बेटा बाप से कह रहा है चेक पर साइन कर दो, जनता मंत्री से कह रही है रिजाइन कर दो, पर यहां तो कोई भी किसी से भी कह रहा है डिजाइन कर दो। क्यों? क्योंकि दरअसल किसी को मालूम ही नहीं है कि ये डिजाइन किस चिड़िया का नाम है। मेहंदी डिजाइन कर दो, रंगोली डिजाइन कर दो, घाघरा डिजाइन कर दो, चोली डिजाइन कर दो, पर डिजाइन कोई दिखावा नहीं है। डिजाइन तो एक जादुई दुनिया है, एक तिलिस्म की तरह है, जब होता है तो अक्सर दिखता नहीं है, और जब दिखाया जाता है तो अक्सर होता नहीं है। एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह, ये सात कदम के अंदर एक भागते हुए हिरण को पकड़ लेता था। कितने कदम में? सात कदम में। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, और हिरण को पकड़ के उसके गले में घंटी बांध देता था। अब ये लोग देख रहे हैं, अरे ये आदमी कर क्या रहा है? हैं? 2 मिनट के अंदर उसने 108 हिरण के गले में कितने 108 घंटी बांध दी। अब इन्होंने बोला, भाई साहब क्या कर रहे हो? ये दास्तान उन 1 बिलियन कठपुतलियों के नाम जिनकी उंगलियों के जरिए मोबाइल इस दुनिया की रंगत बदल रहा है, और जो अगर अपनी आई पे आ जाए तो मोबाइल की दुनिया की रंगत बदल सकते हैं। तो पेश है टॉकी नामा। के बल्ले बल्ले मोबाइल फोन, बल्ले बल्ले मोबाइल फोन, और तेरी महिमा जाने कौन, बल्ले बल्ले मोबाइल फोन। वो गौरैया जिसके लिए शहर बन गया है डेंजर जोन, वो नेता जो असेंबली में बैठे बैठे देखे कौन, बल्ले बल्ले मोबाइल ऐ जा बने मेरी कहानी, वो फूल झड़े मेरी जुबां से, कि हर सफा न कम हो बोस्तां से, कि मुश्ताक अहले बज्म ऐ जा सब देख रहे हैं देर से राह, तो आगाजे बयां करो यहां से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। उस जमाने में इसमें अफीम हुआ करती थी, आजकल प्रोडक्शन गिर गई है और क्वालिटी भी ठीक नहीं है, तो मैं पानी से काम चला रहा हूं, एंटीबायोटिक्स भी चल रही है। तो हाजरीन, ये जो है इसे कहते हैं कह मुकरनी, और ये खुसरौ की इजाद की हुई चीज है। इसमें पहली 3 पंक्तियों में वो कहते हैं और आखिरी पंक्ति में मुकर जाते हैं। तो अब आप हमारे साथ जुड़े, और आपके लिए हिंट ये है, क्लू ये है कि 3री पंक्ति का आखिरी लफ्ज जो है उससे मिलता जुलता काफिया जो है वो जवाब है। तो सुनिए, हर रात मोरे घर वो आवे, मैं सोती हूं मुझे जगावे, हर रात मोरे घर वो आवे, मैं सोती हूं मुझे जगावे, पढ़त फिरत है ब्रर, ब्रर, पढ़त फिरत है बिरहा के अक्षर, ए सखी साजन, हाँ सखी मच्छर, नंगे पांव फिरन नहीं दे, पांव से मिट्टी लगन नहीं दे, नंगे पांव फिरन नहीं दे, पांव से मिट्टी लगन नहीं दे, पांव का चूमा, पांव का चूमा लेत निपुता,
ए सखी साजन, ना सखी जूता। लिपट लिपट में वाके सोई, छाती से छाती लगाकर रोई। लिपट लिपट में वाके सोई, छाती से छाती लगाकर रोई। दांत बजे जब तब मैंने ताड़ा। ए सखी साजन, हाँ सखी जाड़ा। सेज पड़ी थी मोरी आंखों आया, आकर मोहे मजा दिखाया। सेज पड़ी थी मोरी आंखों आया, आकर मोहे मजा दिखाया। किससे कहूं मजा मैं अपना, ए सखी साजन। हाँ सखियों सपना। तो एक बार क्या हुआ कि था एक कछुआ, स्थिर था, दृढ़ था, रखता था धीर, चलता चुपचाप, गाता कबीर के धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, चलना ही तो जगना है, जो दौड़े वो सोए। कछुए के थे कुछ सीधे से कुछ सादे उसूल, रब को मानो या ना मानो कुदरत को ना भूल। मैंने तुमने सबने एक दिन बन जाना है धूल। सत श्री अकाल हाजरीन, यही सत जो शब्द है इसी से सत्य निकला है। सत यानी वो जो है, और सत्य का मतलब हुआ होना या फिर उसका होना, क्योंकि उसके अलावा और कुछ तो है ही नहीं। और इसलिए सत्य परमात्मा के लिए सही नाम है। इट्स मोर करेक्ट टू से दैट ट्रूथ इज गॉड देन टू से दैट गॉड इज ट्रूथ। और सत्य की इस तलाश में तपश्चर्या करनी होगी, दुख सहना होगा, हो सकता है मरना भी पड़े, क्योंकि सत्य की ये तलाश ही तो भक्ति है, और भक्ति तो सर का सौदा है। तो गांधी कहते हैं कि जब जब मैंने अपने किसी करीबी को खोया है तब तब मैंने गीता का आसरा लिया है। तो आइए गीता में ही मौत का राज समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक का पहला हिस्सा, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत यानी वो जो नहीं है, उसका होना कोई नहीं जानता। असत का अस्तित्व कोई नहीं जानता, और सत यानी वो जो है उसका ना होना कोई नहीं जानता। तो ये शरीर इस दुनिया में आने से पहले भी नहीं था, खत्म होने के बाद भी नहीं रहेगा, और अब भी हर पल ये घिस रहा है, बदल रहा है, इसका अभाव हो रहा है, ये शरीर असत है। फिर भी हम ऐसे जीते हैं मानो ये शरीर हमेशा रहेगा। हम मरने से डरते हैं, जो मर गए उनके लिए रोते हैं, जबकि महाभारत में कहा गया कि गुजरे हुए के लिए मातम करने से उसकी आत्मा को दुख पहुंचता है। उधर सत, सत का कभी अभाव नहीं होता। आत्मा शरीर के आने से पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहेगी, और अब भी इसके अंदर ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो गांधी कहते हैं कि जिस तरह शरीर के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह आत्मा के लिए प्रार्थना जरूरी है।
गांधी कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, प्रार्थना तो आत्मा की पुकार है, अपने आप को और पाक और शुद्ध करने के लिए। प्रार्थना रोजाना अपनी कमियों अपनी खामियों को कबूल करना है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। मौत उसे याद दिलाती है कि वो कुछ भी नहीं। जब पल भर में हम ही मिट्टी हो जाएंगे तो हमारे मंसूबों के क्या मायने हैं। हाँ, लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम उसके मंसूबों पे काम कर रहे हैं तो हम मिट्टी से सुमेरु पर्वत बन जाएंगे। और सिर्फ उस हालत में मौत बस एक बदलाव बनकर रह जाती है। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, जला भसम तन पर लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भसम तन पर लगाता जा। अगर शौक मिलेगा के बाहर पहुंची और उससे बोली कि ये शेख साहब जो अंदर बैठे हैं ये महबूबे इलाही हैं, अल्लाह के महबूब हैं, ये बहुत पहुंचे हुए हैं। और हाजरीन, वो लड़का जो भी बच्चा था ये जानता था और मार्केट में घूम रहे बहुत फ्रॉड बाबाओं को देख चुका था। बोला कि अंदर जो बैठे हैं अगर वो इतने ही पहुंचे हुए हैं ना, मैं अपने दिल में एक शेर कहूंगा, तक पहुंच जाना चाहिए तो पहुंचे हूं। तो लड़का शेर कहता है कि तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, ए शाह तूने दी क्या मुझको आवाज है। ये कह रहा था कि पीर साहब की खानकाह से उनका खादिम दौड़ा दौड़ा आया और आकर इस लड़के से पूछता कि आप तुर्क हैं। लड़का बोला जी हाँ, क्यों क्या हुआ। बोला पीर साहब ने आपके दिल की बात सुन ली है, जवाब भेजा है। बोले क्या जवाब भेजा है। ये कहते हैं कि जो जानता है सच वो मेरा हमराज है, जो जानता है सच वो मेरा हमराज है, नादा है वो इस दर से जिसे ऐतराज है।
आप साहब ये लड़का हक्का बक्का रह जाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है पीर साहब की खान के आंख के अंदर, देखता है कि पीर बाबा जो है वो बीच में बैठे हैं, सैकड़ों लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है और इस पीर बाबा के चेहरे पर एक नूर है, एक रंग है, एक ऐसा रंग जिसकी तलाश खुसरो आज तक करते आ रहे थे। वहीं उनके कदमों में गिर पड़ते हैं, बहुत देर तक वहां पड़े रहते हैं और फिर उठकर अपनी मां की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मां आज रंग है, मां आज रंग है।